जो विकास की बात करेगा जनता उसी को अपना आशीर्वाद देगी, कहा राजेंद्र शुक्ल ने लगातार चौथी बार रीवा से चुनाव जीतकर। जी हां, प्रदेश में शिवराज युग की समाप्ति जरूर हुई है, लेकिन रीवा में राजेंद्र युग अभी भी जारी है। हम बात कर रहे हैं रीवा से चौथी बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतकर एक नया इतिहास बनाने वाले पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ल की। आइए सुनते हैं वो चौथी बार चुनाव जीतकर पत्रकारों से बातचीत में क्या कह रहे हैं। जो विकास की बात करेगा, जो विकास का काम करेगा, वही राजनीति में जनता उसको मजबूती देगी। और इधर उधर के मुद्दों के आधार पर झूठ अफवाह धूर्तता की राजनीति अब बिंदी की धरती पर नहीं चलेगी, ये संदेश इस चुनाव में रीवा जिले की जनता ने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम शुरू कर दिए हैं, यदि उन कामों को हम पूरा कर देंगे तो हम रीवा जिले को मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर जिला बनाने में सफल हो जाएंगे। तो हमें मॉनिटरिंग करनी है। हमने सारे योजनाओं का सूत्रपात कर दिया है अपनी सरकार में ही। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण कराना है, सोलर प्लांट का लोकार्पण कराना है, सड़कें जो बन रही हैं उसको पूरा कराना है। कोई काम ऐसा नहीं है जिसको शुरू करने की ज़रूरत है, सारे काम जो शुरू हैं उसको पूरा करने की ज़रूरत है। हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और जहाँ कहीं नई योजना की शुरुआत करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, विधायक चाहे तो वो सारे काम कर सकता है जो क्षेत्र की जनता के लिए ज़रूरी होता है। तो जनता ने एक विधायक नहीं, आठ आठ विधायक दिए हैं रीवा जिले में, तो हम उन सारे कामों को करेंगे।